हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से सिर्फ 5 मिनट में 34th चैप्टर सुषुम्ना जी का सूत्र स्थान का आपको पढ़ाऊंगी। देखिए, 34th चैप्टर का सबसे पहले नाम याद करिए। नाम क्या है? युक्त सेनीय। इसमें चतुष्पाद का वर्णन है। सुषुम्ना सूत्र 34 में चतुष्पाद का वर्णन है। चरक सूत्र 9 में चतुष्पाद का वर्णन है। काश्यप सूत्र 26 में चतुष्पाद का वर्णन है। अष्टांग हृदय एक में, मतलब सूत्रस्थान एक में चतुष्पाद का वर्णन है। एंड अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान दो में चतुष्पाद का वर्णन है। ये आपने याद कर लिया। फिर इसमें बताया क्या हुआ है? इसमें चतुष्पाद के अलावा सबसे पहले बताया है कि जब राजा की चिकित्सा के बारे में, कि राजा का वैद्य चिकित्सा करता है, ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन राजा की सेना की भी चिकित्सा जो वैद्य करता है उसका वर्णन किया है कि सेना की चिकित्सा, जब किसी सेना को हराने के मकसद से उसको विष दे दिया जाता है तो उन सैनिकों की चिकित्सा भी वैद्य ही करता है, ठीक है, राजा के साथ साथ, ठीक है। इसलिए इसको जो है सेना की चिकित्सा का वर्णन इस अध्याय में है और इसीलिए इसका नाम है युक्त सेनीय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अथर्ववेद को जो पढ़ते हैं वो मानते हैं कि मृत्यु जो होती है वो 101 प्रकार की होती है, जिसमें 100 प्रकार की मृत्यु होती है आगंतुक ट्रॉमा वगैरह से होती है, ठीक है, एंड एक होती है काल मृत्यु, ठीक है। नेक्स्ट इज की एक क्वेश्चन इसमें आता है कि जो वर्ण संकर का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, अलग अलग ये जो वर्ण होते हैं, ये जैसे जो काम ब्राह्मण को करना चाहिए वो ब्राह्मण ना करके क्षत्रिय करे, जो काम क्षत्रिय को करना चाहिए वो क्षत्रिय ना करके कोई और वर्ण का करे, ठीक है, शूद्र करे, तो एक दूसरे का काम, ठीक है, जो नहीं भी करने आते वो करें, दैट इज़ कॉल्ड वर्ण संकर। मिक्सिंग हो जाए एक दूसरे के काम की, ठीक है, इससे क्या होता है, प्रजा का नाश होता है। और वर्ण संकर का कारण क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो वर्ण संकर का जो कारण है दैट इज़ नृप व्यसन, मतलब कि राजा का कुमार्ग पर जाना, कि कोई रूल रेगुलेशन नहीं, किसका काम कोई भी कर सकता है, चाहे वो डिजर्विंग हो चाहे ना डिजर्विंग हो, इंजीनियर का काम डॉक्टर कर रहा है, डॉक्टर का काम इंजीनियर कर रहा है, तो इस तरह से एक दूसरे का काम करना जिससे प्रजा का नाश होता है, इकोनॉमी की हानि होती है, तो ये राजा जो नृप है उसका व्यसन, मतलब कि उसका कुमार्ग पर चलना, कोई रूल रेगुलेशन अप्लाई नहीं करना, लागू नहीं करना, ये कारण होता है वर्ण संकर का। नेक्स्ट है कि जो मैं आपको एक मिनट बताती हूँ, हाँ मेरे पास बुक पड़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ये बताया हुआ है कि जो चतुष्पाद है उसकी सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो जो चरक जी ने सूत्र स्थान 9 में सीक्वेंस बताई थी वो थी भिषक द्रव्य उपस्थाता रोगी, लेकिन सुषुम्ना जी ने क्या बताई है, उन्होंने भी भिषक यानी कि वैद्य को फर्स्ट नंबर पर रखा है, लेकिन आपको लर्न कैसे रखना है, पहले नंबर पर वैद्य, लास्ट नंबर पर परिचारक, एंड सेकंड नंबर पर रोगी, एंड रोगी ने खाई औषध, ठीक है। भिषक लास्ट नंबर पर परिचारक, बीच में देन रोगी सेकंड नंबर पर, एंड थर्ड नंबर पर रोगी ने खाई औषध। तो भिषक, रोगी, औषध और परिचारक, ठीक है, ये होगी सुषुम्ना जी की सीक्वेंस। एंड इसको कर्म साधवम हेतवम भी बोलते हैं, कर्म साधन हेतवा, मतलब कि कर्म क्या होता है, चिकित्सा, चिकित्सा करने का जो साधन होता है वो भी चतुष्पाद को बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि देखिए, जो चतुष्पाद है ये तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन त्रयपाद क्या होता है, त्रयपाद जब हम वैद्य को एक्सक्लूड कर देते हैं, वैद्य को इसमें इंक्लूडेड नहीं करते हैं, तो बाकी के तो जो तीन है दैट कम्स अंडर त्रयपाद, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि जो वैद्य के गुण क्या है, इसमें वैसे तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं चार गुण, ठीक है, चरक सूत्र 9 में, खुटाक चतुष्पादी में, लेकिन इसमें जैसे कि वैद्य बुद्धिमान होना चाहिए, वैद्य लघु हस्त होना चाहिए, उसका हाथ हल्का होना चाहिए, ठीक है, और अपने मतलब कि शुचि होना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करने वाला, शूरवीर होना चाहिए, ये सब चीज़ें। लेकिन लर्न करने वाला पॉइंट क्या है कि इसमें वैद्य को लघु हस्त बताया है, चरक जी ने वैद्य को जित हस्त बताया है, ठीक है। और नेक्स्ट इसकी जो परिचारक से पहले मैं बताऊंगी रोगी के गुण क्या होते हैं, रोगी आयुष्मान होना चाहिए, ठीक है, दूसरा है कि सत्ववान होना चाहिए, सत्व बुद्धि वाला, सत्य बोलने वाला होना चाहिए, तीसरा है कि वैद्य वाक्यस्थतो, मतलब कि वैद्य वाक्यस्थ मतलब कि वैद्य की बात मानने वाला, और परिचारक के लिए क्या बताया है, स्निग्ध होना चाहिए, प्यार से बात करने वाला होना चाहिए रोगी से, जुगुप्सु होना चाहिए, मतलब कि रोगी के मल मूत्र वमन से उसको घृणा नहीं होनी चाहिए, तीसरा बलवान होना चाहिए, चौथा सेम ही है रोगी वाला, दैट इज वैद्य वाक्य कदश्रांत, मतलब कि वैद्य के वाक्य को मानने वाला, वैद्य वाक्यस्थ
रोगी का है एंड वैद्य वाक्य कद श्रांत ये है परिचारक रूम, मीनिंग दोनों का एक ही है कि दोनों रोगी और परिचारक डॉक्टर के वाक्य को मानने वाले होने चाहिए। ठीक है, ये तो हो गए परिचारक के गुण। और ये जो परिचारक के गुणों में एक स्थिर गुण भी बताया गया है वो आचार्य सुश्रुत ने यहाँ ना बता के सूत्र स्थान 5 में बताए हैं। एंड 5:10 हो गए, मैं टाइम भी नोट कर रही हूँ वीडियो बनाते वक्त। ठीक है, तो लास्ट ये है एक कि कारणम षोडश गुणम सिद्धो चतुष्पादम, कारणम षोडश गुणम सिद्धो चतुष्पादम, ये लाइन है सुश्रुत सूत्र 9 की, सॉरी चरक सूत्र 9 की, लेकिन चतुष्पादम षोडश कलम भेषजम इति भेषजो, ये चरक सूत्र 10 की है। तो मतलब एक ही है कि जो चतुष्पाद है चिकित्सा के उसमें चारों के चार चार गुण होकर 16 गुण हो जाते हैं। ठीक है, तो मीनिंग दोनों का सेम ही है लेकिन आपको थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा रेफरल कहाँ का है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, कारणम षोडश गुणम सिद्धो चतुष्पादम। ठीक है, जहाँ पे षोडश गुणम सिद्ध हो आ गया वहाँ पे 9 सूत्र 9 चरक सूत्र 9। ठीक है, षोडश गुणम सिद्धो चतुष्पादम चरक सूत्र 9, जहाँ पे षोडश कला आ गया। ठीक है, चतुष्पादम षोडश कला भीष्टम इति भीष्टो, वहाँ पे चरक सूत्र 10। ठीक है, तो बस इतना सा चैप्टर था। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में फुल बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बोला ये मेन पॉइंट्स हैं इसमें से, और यही एग्ज़ाम में अगर आने हो तो इसमें से ही आएगा। ठीक है, तो लर्न करते रहिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में।